हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर देना। तो इस समय यार 146 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यार, जल्दी से 150 तो कर दो एटलीस्ट। तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आता है तो। और यार आज का जो वीडियो है, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था क्लासिक साइबॉट के ऊपर, जो उसका बंडल स्पेशल बंडल पैक आया था, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस बात को, काफ़ी लोग उससे कहते हैं ना, मतलब नहीं सहमत थे मेरी बातों से, तो कुछ लोग नहीं भी होंगे भाई, सबका अपना अपना। तो आज जो वीडियो, आज हम लोग कोल्ड वॉर पे, मैं एक मैच में जो स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग जो हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वी आर 101 पे ही अभी। यार क्या करूँ, मेरे पास वैसे कोई बहुत पावरफुल करेक्टर नहीं है, ये मेरी टीम वैसे है भी नहीं। मेरी टीम ये है एंड ये है, पर यहाँ पे ये है कि इसमें डार्क मैजिक है, और इसमें मेरे जो टीम है वो डैमेज लेती जाएगी, सिर्फ आउट वर्डर्स जो हैं वो सेफ हैं। तो मेरे पास आउटवर्ड में अच्छे कंडीशन में सिर्फ एरन ब्लैक है जो 7 फ्यूज़न पे है, और कौन है भाई, तानिया है, कुबुजुसु तानिया है, बाकी और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं। तो ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, तो कुबुजुसु तानिया है। ओके, सो यहाँ पे यार यही है, अब देखता हूँ यार। मेन दिक्कत क्या है ना, कुबुजुसु तानिया उतना नहीं है, एक कैसी है जो बहुत अच्छा डैमेज देती है, पर इसका खुद का जो लाइफ है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है, यही दिक्कत है मेरे पास, क्योंकि सिर्फ एरन ब्लैक के ऊपर वो पूरा वो हो जाता है, तो रेडन का कोई यूज़ ही नहीं एक तरीके से। रेडन, क्योंकि मैंने बोला है ना, जैसे मैंने बताया बहुत पहले भी, कि जब तक आपका कोई चाहे डायमंड कैरेक्टर हो चाहे गोल्ड कैरेक्टर हो, जब तक वो मैक्स्ड नहीं होगा वो उतना बेनिफिशियल नहीं आपको समझ में आएगा, जितना बेनिफिशियल वो ऐसा मैक्स्ड हो जाएगा तो होगा। तो MK11 रेडन, जब तक यार मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 8 फ्यूज़न या 9 फ्यूज़न तक पहुँच जाए, ठीक है, सो तब तो कुछ बात बनेगी। तो यार देखता हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ यार, सोल जुटाऊँगा यार बढ़िया से, तो उसके बाद फिर मैं MK11 का डायमंड पैक ज़रूर खोलूँगा, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि MK11 का रेडन मुझे मिलेगा, एक दो फ्यूज़न तो हो ही जाएगा उसका एटलीस्ट, तो दो भी फ्यूज़न हो जाएगा तो भी कुछ सही है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है यार, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एक मिनट में करता हूँ, जॉनी केज को ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसे इक्विपमेंट गियर दे देता हूँ। लेट मी चेक व्हाट। ओके, पूरा थैमर दे दिया इधर। ओके, मेरे पास जॉनी केज का भी एक रेयर इक्विपमेंट था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, था तो ये रहा। यार चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। लेट्स चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये टीम कितनी अच्छी है यार, यही इशू है इसमें मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है जीतना, क्योंकि जॉनी केज का भी जो है लाइफ जाता रहेगा। तो लेट्स देखते हैं क्या होता है, हो सकता है मैं डिफ़ीट कर लूँ, हो सकता है ना भी करूं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया यार, मैं डिफ़ीट नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे टर्मिनेटर ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि वो फिर से रिबॉर्न होता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है तो डायमंड का एरन ब्लैक करता है, सही बता रहा है। Fight.
ओके ऑटो पे था। ओके नहीं ले गया वो। ओके फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिला है। नूब साइबॉट का रेयर इक्विपमेंट कार्ड मिल गया है मुझे, पर विदाउट नूब साइबॉट मैं इसका क्या करूँगा। खैर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं स्टक हो गया हूँ। देखता हूँ यार, एक मिनट में आउटवर्ड की टीम लेता हूँ, देखता हूँ तानिया क्या कर सकती है। और भी किसी को ले सकता हूँ क्या? पर यार दिक्कत यही है कि ये तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मेरे पास कोई आउटवर्ड के बहुत अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब एरन ब्लैक अच्छा है, नो डाउट। एक मिनट, एक काम करते हैं। ओके सो मैंने हल्के से चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले आता हूँ, वेल आई थिंक यहाँ पे मलीना को लाना सही है क्या? किसे लाया जाए? एक काम करता हूँ, रुको। केसी को दे देता हूँ, रेथो हैमर दे देता हूँ, देखता हूँ, देखते ट्राई करते यार। अब ये टीम मैंने बनाई है, देखते हैं ये कितनी कारगर टीम होती है। अगर केसी जो है मलीना को नॉकआउट कर दे तो टर्मिनेटर और ब्लैक ड्रैगन एरन ब्लैक बचेगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या हो सकता है इसमें, ट्राई करते हैं, एक चांस और ट्राई करते हैं। मुझे फर्स्ट यूज़ करना है केसी को, क्योंकि केसी का लाइफ तो ड्रेन होता रहेगा, उसमें तो कोई वही नहीं है। ओके लेट्स सी, fight
ओके ठीक है, मुझे पता ही था। वो बोल जी सकते हैं क्या हम लोग? ओके एरन एरन फ्लैट ओके। ओ यार ये जो टोमेटो का ये जो पावर है ना स्पेशल अटैक, ये इसने ब्लॉक कर दिया मेरे उसके। ओके तो T-800 आ गया भाई, T-800 आ गया। ओके वो क्या डैमेज है, बेहतरीन डैमेज, कोई डैमेज नहीं। ओके ये कुछ ठीक है। आयरन ब्लैक ओ नहीं 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 ओ फाइनली स्टॉप ब्लीडिंग एंड स्टैंड अप। इस मैच से मैं छुट्टी पाया, 111 मैच ख़त्म हो गया, 111 मैच ख़त्म हो चुका है, फाइनली मैं आगे गया। ओके ये टीम जो एक्सपेरिमेंट था सक्सेसफुली हो गया। ये मुझे शायद पहले कर लेना चाहिए था, बैड लक मैंने किया नहीं। ओके ओ माय गॉश ओके ब्लीड अटैक, ये बहुत बेकार अटैक है, क्योंकि ब्लीड अटैक में क्या होता है कि आप जब पावर यूज़ करते हो तो ओपोनेंट को कम डैमेज मिलता है, जो सारा डैमेज आप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ओके तो अब मुझे नहीं लगता तानने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो मैं तान्या को वापस से रेडन के जगह बदल देता हूँ। और ओके रेडन के सारे इक्विपमेंट कहाँ गए भाई? ओके सो चलो भाई फिर से मैच शुरू करते हैं। ओके कैसी ओके एरन ब्लैक से मैंने ये पावर ले ली है और फिलहाल कैसी भी कंप्लीट है। ओके एरन का इक्विपमेंट कहाँ गया भाई? ये रहा। ओके चलो फाइट करते हैं, देखते हैं भाई।
ओके ब्लीड अटैक, बहुत ही तगड़ा ब्लीड अटैक। ओह माय गॉड, रेड फिनिशर, फिनिशर। अरे मार दो भाई, आयरन भाई तू तो मार दे यार इसको। ओ भाई क्या खतरनाक ब्लीड अटैक था। बस मैं जीत ही गया था, किसी बस समझ लो किसी तरह जीत गया मैं। अभी अभी जानते हो क्या हुआ, अभी जब मैं 112 वाला मैच खेला उसमें जीता, तो जीतने के बाद क्या हुआ कि आई थिंक गेम क्रैश हो गया या गेम लैग कर गया, जिस वजह से गेम नहीं चल रहा था। ठीक है, मैं मैच जीत चुका था, 112 मैच जीत चुका था और गेम चलना बंद हो गया अचानक से। जब मैंने लॉगिन किया तो मैं पता है क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अचंभा वाली चीज़ हुई। अचंभा वाली चीज़ ये हुई कि जब मैंने कोल्ड वॉर टावर को ओपन किया तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला। जानते हो क्या, 112वां मैच, जिस मैच को अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था, जीता भी था, रिवॉर्ड नहीं मिला था, वो मैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या यार ये भाई, ये यार ये तो गड़बड़ है। मेरा चांस भी चला गया, ठीक है मैं जीत भी गया लेकिन मैं जीता नहीं। ये तो अलग ही लेवल का है भाई, अलग लेवल का, ये अलग लेवल की बात है। खैर ओके, क्लासिक नूब साहब बॉट, जल्दी से मिलो सबको भाई। खैर तो यार मेरा खेलने का और मन था, लेकिन ये देख के ना मेरा दिमाग की ऐसी तैसी हो गई। एक तो अब ये नेट का इशू है या गेम का इशू है, नेट का ही इशू है, लेकिन यार ऐसा नहीं करना चाहिए यार। गेम बंदे ने जीत लिया है, अपने चांस भी ले लिया और गेम भी, ये भी नहीं कि मैं 112 से 113 पहुंच गया ना। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। और एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार अगर मुझे अपना अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन करना हो तो कैसे करेंगे। मैं उनको बता दूं यार, बहुत ही इजी है, वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अगर आपने दूसरे जो नया डिवाइस है आपका उसमें अगर आपने गेम को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं जाना है। आपको यूज़र नेम पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्ले चेंज WBID करके ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, अपने अकाउंट के इन्फो को डाल के लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट फिर से वहाँ पे दूसरे डिवाइस में भी खुल जाएगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सोल को कलेक्ट करो, और अगर सोल आपके अच्छे खासे कलेक्ट हो गए तो और कलेक्ट करो। मेरे कलेक्शन नहीं हुई है सोल्स की यार, मैं लिटरली बताता हूँ, क्योंकि मैं गेम बहुत कम ओपन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी 112 113 पे। आपको लग रहा है कि अगर मैं रेगुलर खेलता तो मैं आज यहाँ पे 112 113 पे होता, एटलीस्ट 200 मैच तो, एक 200 मैच तो कंप्लीट कर लेता, पक्की बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 times 5 times जो है 200 मैचेस कंप्लीट किए। ठीक है तो
यार उनके वो लोग ज़्यादा खेलते हैं, गेम को ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बहुत कम समय देता हूँ, इसलिए अभी तक 112 पे अटका हूँ, जो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया था 112, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसलिए कहना चाहूँगा यार, सोल को कलेक्ट करो। सोल कलेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, सोल कलेक्ट किया जा सकता है बहुत ईजीली, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम को लॉग इन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पर आवर आपको जो है लॉग इन करना है, रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, और उसके बाद गेम को आप चाहो तो बंद कर दो, कोई कुछ नहीं करना। फिर 1 घंटे के बाद फिर आपको गेम लॉग इन करना है, रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, और फिर से गेम को बंद कर देना है। यही आपको जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना दिन भर में करो, ठीक है? 1 महीना करो, 2 महीना करो, बहुत ही इजीली 10,000 15,000 सोल्स आपके अकाउंट में इजीली आ जाएंगे, ठीक है? मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया ही हुआ था, मेरे सब्सक्राइबर हैं साजिद, उन्होंने बहुत ही आई थिंक कम समय में, आई थिंक 2 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने बहुत ही इजीली 15,000 सोल्स कलेक्ट कर लिए थे, और अभी इनके पास करेंटली आई थिंक 25,000 के आसपास सोल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। और वो कलेक्ट कर रहे हैं सोल्स फॉर एनिवर्सरी पैक। तो यार एनिवर्सरी पैक के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एनिवर्सरी पैक आ सकता है, देयर इज़ अ चांस कि एनिवर्सरी पैक आ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं, या हो सकता है ना भी आए, है ना? तो क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने एनिवर्सरी पैक लाना शुरू किया आई थिंक पिछले साल से ही, इसके पहले शायद एनिवर्सरी पैक नहीं आता था। हाँ 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि वो पिछले साल ही एनिवर्सरी पैक लेके आए हैं पिछले साल से, ठीक है? मतलब 5 साल के बाद उन्होंने एनिवर्सरी पैक लाना शुरू किया, तो अब मुझे लग रहा है कि हर साल एनिवर्सरी पैक अप्रैल 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल जिस दिन 2015 को ये गेम रिलीज़ हुआ था ऑन गूगल प्ले स्टोर पे ऑफिशियली, उस दिन से ये गेम जो है इस गेम में एनिवर्सरी पैक आता है। तो एनिवर्सरी पैक के लिए, क्योंकि उसमें 100% चांस रहता है कि आपको डायमंड कैरेक्टर मिलेगा, अब अगर ऑफ़र में नहीं है तो 2,000 का होगा वो, अगर ऑफ़र में होगा तो 1,340 का पड़ेगा, आई थिंक 1,336 का अप्रॉक्स पड़ता है शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उसके लिए आप सोल्स कलेक्ट करो यार, उसके लिए कर सकते हो तो उसके लिए करो, नहीं तो आप नॉर्मल पैक्स के लिए भी जो है सोल कलेक्ट करना चाहते हो, अगर जिनके पास सोल कलेक्ट हो गया है या जो लोग पैक ओपनिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी पैक ओपनिंग करूं, तो यार मैं यही रिकमेंड करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आईडी या अकाउंट की इन्फो जो है मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझसे मुझे बता सकते हैं, मैं उनके आप जितना पैक कहोगे मैं उतना पैक खोलूँगा, जितना सोल्स खर्च करने के लिए कहोगे मैं उतना ही सोल्स खर्च करूँगा यार। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा, अगर जिनको डाउट है कि भाई यार ये गेमर 116 तो कुछ फंसाने वाली बात तो नहीं कर रहा है, तो अगर उनकी जिनको डाउट है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके अब मैंने पैक ओपनिंग की हुई ऑलरेडी, तो वो जाके उनका जो है पैक ओपनिंग देख सकते हैं। और एक पैक ओपनिंग तो काफ़ी लकी रहा, क्योंकि जब मैंने स्ट्राइक फोर्स डायमंड पैक की ओपनिंग की थी तो मुझे तीनों करेक्टर मिल गए थे स्ट्राइक फोर्स के। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर आप देना चाहते हैं मुझे अपना अकाउंट पैक ओपनिंग के लिए तो मैं बहुत बहुत ही उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत ही क्या बोलते हैं उसको खुशी महसूस करूँगा। खैर बहुत ही इजी वर्ड बोल दिया, बहुत कठिन वर्ड सोच रहा था लेकिन इजी वर्ड बोल दिया, खैर छोड़ो। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा यार, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं कोल्ड वॉर टावर खेलना चाह रहा था, लेकिन अभी जो हुआ ना यार, पता नहीं आप लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं, कभी मुझे बताना ज़रूर कि आपने मैच कंप्लीट कर लिया, गेम स्टक हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से आपने ओपन किया और फिर आपको दिखता है कि नहीं अभी तो जो का जीता था वो उतने पे ही हूँ मैं, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है? और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और लाइक कर देना यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैं यही कहूँगा यार कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।